हाय एंड नमस्ते टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मंकी मैन अ मूवी बाय देव पटेल व्हिच इज नॉट गेटिंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन सीन्स इन द मूवी, पर हमने मूवी देख ली है और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कोई ऐसा सीन नहीं लगा जो शायद ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहिए। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट गेटिंग रिलीज्ड। सो फर्स्टली आई वांट टू से दिस कि इंडिया से बाहर बैठे लोगों को इंडियन कल्चर को बाखूबी अच्छे से दर्शाना आता है। मंकी मैन जो हमारे हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, a god who is the strongest of all and a true devotee of Shri Ram. तो मूवी की शुरुआत होती है देव पटेल भाई से जो एक अंडरग्राउंड फाइटर है एंड उन्हें हारने के पैसे मिलते हैं, बट वो सब एक टाइम पास है। देव पटेल बेसिकली वॉन्ट्स रिवेंज। देव पटेल भाई को बेसिकली अपनी माँ के खून का बदला चाहिए सिकंदर खैर से। सो देव पटेल बेसिकली पूरी मूवी में इज अ नोबडी, बट बिफोर ही बिकम्स अ समबडी सिकंदर भाई ये समझ चुके हैं दैट ही नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सो सिकंदर खैर इज प्लेइंग अ फैबुलस नेगेटिव रोल। काफी मूवी इंग्लिश में है और सिकंदर में एक्चुअली इंग्लिश से ज्यादा हिंदी के डायलॉग काफी अच्छे से फिट बैठे हैं और सिकंदर ने काफी भर भर के गालियां दी है जिसे हम आशीर्वाद कहेंगे। सो सिकंदर भाई को काफी आशीर्वाद देना पसंद है। यहाँ एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ सिकंदर भाई कहते हैं कि ये क्या है बीसी, जहाँ पे देव पटेल रिप्लाई करते हैं माँ का आशीर्वाद। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डायलॉग वहाँ फिट नहीं बैठा था और वर्स्ट पार्ट ये है कि कैमरामैन ने इतना रियलिस्टिकली शूट किया है कि कैमरा इतना हिलता है और इतना आउट ऑफ फोकस होता है कि आपका सर ही दुख जाएगा। हमें ये लगता है बेसिकली या तो ये रियलिस्टिक कैमरामैन के लिए हम तैयार नहीं है या तो फिर ये कैमरामैन को पगार नहीं मिली होगी टाइम पे, इसलिए उसने एक बड़ास पूरे कैमरा पे निकाल दी है। देव पटेल भाई आई फील आई गेस इट्स टाइम टू बाय अ न्यू गिम्बल। देव भाई बेसिकली सिकंदर खैर को मारने के लिए नाकाम हो जाते हैं। उसमें फिर एक सीन ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप एक इतना ब्यूटीफुल रिक्शा देखेंगे जो कम्प्लीटली मॉडिफाइड है कि वो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों को भी पीछे खड़ा कर दे और वो एक एक्शन सीन देखने लायक है। सो मूवी में आप एक इंडोनेशियन या थाई लुकिंग सरदार भी देखेंगे। जेपी रोड पे ऐसे इतने सारे इंडोनेशियन और थाई लुकिंग पीपल होंगे कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया में इतने इंडोनेशियन रह रहे हैं और हमें ही पता नहीं है। तो आई समवेयर डाउन द लाइन फेल्ट कि कास्टिंग वाजंट डन राइट। देव पटेल इज बेसिकली इंजर्ड एंड इज सेव्ड बाय द ट्रांसजेंडर पीपल जो बेसिकली नेग्लेक्टेड है और इग्नोर्ड है सोसाइटी से। वहीं पे देव पटेल भाई अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ and its roots. Dev Patel is now ready for round 2 with Sikandar Khair. So Dev Patel सोचते हैं क्यों ना boxing और martial arts का combination करके मैं थोड़ा practice कर लेता हूँ and I'll be prepared for round 2. और वहीं पर हम देखेंगे इंडिया की शान जाकिर हुसैन को। भाई हमने माइक टाइसन और टाइसन फ्यूरी जैसे बॉक्सर्स को 1-2-3-4 वाले combinations पे practice करते हुए देखा है, बट पहली बार देव पटेल ने हमें एक डिफरेंट वर्जन ही दिखा दिया। जाकिर हुसैन के तबला के रिदम में ही विल बी प्रैक्टिसिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉक्सिंग व्हिच वाज अ सीन आई वुड से दैट यू डेफिनेटली हैव टू वॉच। सो फाइनली देव पटेल गेट्स रेडी एंड ही टेक्स ऑन द एंटायर बिल्डिंग फिल्ड विद एशियन पीपल। हियर आई फेल्ट के देव पटेल को कम से कम थोड़ा पुट ऑन करना चाहिए था बिकॉज सिकंदर के सामने वो काफी पतले और छोटे लग रहे थे। देव पटेल जब इंजर्ड होते हैं That is the time he understands के सिकंदर तो सिर्फ एक मौरा है। The real enemy is the claimed godman, जो basically लोगों को manipulate कर रहा है और उनके land और money को हत्याने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और देव पटेल उसका भी the end करते करते हमें टाटा बाय बाय कह देते हैं। Overall मुझे एक feeling आई कि ये movie सिर्फ एक revenge के ऊपर थी। I feel the movie is average और वन टाइम बहुत जरूर है। द फाइट सीन्स, द कली गैंग स्ट्रीट्स एंड द म्यूजिक वाज अमेजिंग आई वुड से दैट। जॉन विक जैसा एक्शन और जॉन विक का रेफरेंस भी आपको मूवी में देखने मिल जाएगा। इसी के साथ आई एम आल्सो गोना से टाटा बाय बाय। आई होप आप लोगों को हमारा ये मंकी मैन का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स, बाय।